कलाकार के भरोसे थोड़े आई हूँ इंडस्ट्री में। हम लोग रिलेशनशिप में थे, ये मेरे ख्याल से हर कोई जानता है इस चीज को। कोई लड़की उनके जीवन में आई है तो अब मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। को मेरे व्यूज ज्यादा होते हैं या मैं शोज में नाम कर रही हूँ, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। कई बार एयर होस्टेसेस के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, क्या ये नहीं जानते हैं लोग? वो सब मुझे फोन करा रहे हैं, गालियां दिलवा रहे हैं और कि मैं उनको उठा रही हूँ नशे की हालत में, एक तरफ से उनका बैग पकड़ रही हूँ और दूसरे तरफ से एक एक चीज जानते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ और क्या मैं झेल रही हूँ। हम लोग रिलेशनशिप में थे, ये मेरे ख्याल से हर कोई जानता है इस चीज को। तब हमारी जोड़ी थी जो कि वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी कहा जाता था, पॉपुलर जोड़ी थी और लोग पसंद करते थे, हम साथ में काम करते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि इनकी शादी हुई और रातों रात शादी हुई। तब मैं पटना में एक कमरे में बंद थी। मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि बीइंग अ गर्ल, जिस परिवेश से आई हूँ मैं, जो संस्कार है मेरा, वो हूँ तो बिहारी लड़की, तो वहाँ के घरों में ये नहीं सिखाया जाता है कि भाई कोई शादीशुदा आदमी है तो उसके साथ आप कंटिन्यू करिए या उनके साथ रहिए आप। तो मैंने जो देखा था, मैंने बोला कि अभी कोई लड़की उनके जीवन में आई है तो अब मुझे उनसे अलग हो जाना चाहिए। तो मैंने बैक स्टेप ले लिया। उस दौरान भी बहुत सी चीज़ें वायरल हुई कि उन्होंने हाथ उठाया मेरे पे वगैरह वगैरह। सिलवासा के एक होटल में माँ तुझे सलाम की शूटिंग चल रही थी, उन्होंने तब मैंने मुंह नहीं खोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कहीं से भी, हम लोग एक साथ ही काम करेंगे, यू नेवर नो कब चीज़ें सही हो जाए और हम लोग साथ में काम करने लगे या जो भी है। तो मुझे ड्रामा सो कॉल्ड नहीं चाहिए था, तो मैं साइलेंटली चीज़ों को हैंडल कर रही थी और अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी और काम करती गई, जो भी छोटे बड़े हीरो के साथ फिल्में आती गई। चूंकि मैंने इनको बहुत शराब के नशे में एकदम धुत थे, ये रूम से बाहर निकल रहे थे, तो मैंने जनरली ऐसे ही बोला, चिल्ला रहे थे तो मैंने बोला कि आप बाहर मत निकलो बिकॉज लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। तो मैं उनके इमेज को प्रोटेक्ट करते हुए उनको प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने धक्का दिया था और बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जो होटल वाले आए, उन लोगों ने देखा और चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। तब भी मैं चुप थी। उसके बाद मैं चुपचाप अपना काम करने लगी, फिर मैं गाने गाने लगी, गाने हिट होने लगे। कई बार ऐसा भी सुनने में आया कि भाई इनको मेरे व्यूज ज़्यादा होते हैं या मैं शोज में नाम कर रही हूँ, उससे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इनके मर्दानगी पे बात आ गई कि भाई ये अकेली सरवाइव कैसे कर लेगी। कहा तो यही जा सकता है इनकी इन हरकतों के कारण। उसके बाद क्या किया इन्होंने, तब तक मैं चुप रही, मैंने कभी कुछ नहीं बोला, कुछ रिएक्ट नहीं किया। अब चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं, अब मेंटली मुझे हैरेस किया जा रहा है, मेरे काम पे रोक लगाया जा रहा है। अब म्यूजिक कंपनीज में कॉल कर कर के रोक लगा रहे हैं कि उसका गाना नहीं लेना है, ये वो। तो चीजें यहाँ छुपती नहीं है, कभी ना कभी तो पता चलेगा ना। मैं भी आर्टिस्ट हूँ, लोग भी जान रहे हैं कि भाई इस कंपनी से इसके गाने क्यों नहीं आए, जबकि हमेशा आते हैं। तो इसलिए मैं ओपन अप हुई कि भाई लोग अभी भी पीछे पड़े हैं, मुझे काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। तो यही है मामला। और जब से मैंने वो इंटरव्यू दिया है, तब से इनके सो कॉल्ड भाई लोग जो हैं, इनके चमचे हैं, वो सब मुझे फ़ोन करा रहे हैं, गालियां दिलवा रहे हैं और सोशल साइट्स पे मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं डर के सुसाइड कर लूँगी या मैं भाग जाऊँगी, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। बिकॉज आज लाखों लड़कियाँ मुझे इंस्पिरेशन के रूप में लेती हैं, और वैसे में अगर मैं कायरता दिखाऊँगी, मैं पीछे भागती हूँ, पीछे हटती हूँ, तो लोग जो अपकमिंग जितने एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग भी डरेंगे। इवन इन लोगों की ऐसी हरकतों के कारण कितने नए नए स्टार्स को झेलना पड़ता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, नए नए सिंगर्स झेलते हैं। ये लोग छोटे छोटे सिंगरों को भी रोक लगाते हैं जिनकी बातें सामने नहीं आ पाती हैं, बिकॉज वो स्ट्रगल कर रहे हैं। सोशल साइट्स पे मेरे नाम से गंदी गंदी गालियां लिख रहे हैं। अक्षरा एक बहुत गिरी हुई अभिनेत्री है, पवन भक्त बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये देखिए, ये सारे कॉल्स